हेलो दोस्तों, पीरियड्स मिस होने के बाद घर पर यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप आसानी से जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं जिनसे आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं लक्षणों के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, गर्भधारण होने के बाद शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं। इन बदलावों से आप पता कर सकती हैं कि गर्भधारण हुआ या नहीं। गर्भधारण के लक्षण, दोस्तों, मासिक धर्म नहीं आना। अगर आपका मासिक धर्म एक हफ्ते से ज्यादा लेट हो गया हो तो समझ लें कि गर्भधारण हो चुका है। पर अगर आपका एबॉर्शन हुआ हो या डिलीवरी हुई हो तो हो सकता है आपका मासिक चक्र बिगड़ जाए और माहवारी आगे हो जाए। बार बार यूरिन आना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में किडनी बहुत सक्रिय होती है। ऐसे में बार बार यूरिन आना गर्भावस्था का एक लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट में भारीपन। दोस्तों, गर्भधारण के बाद शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव आते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होता है। इसके साथ साथ निप्पल का रंग भी गहरा होने लगता है। अगर आपके ब्रेस्ट में भी ये सारे बदलाव हो रहे हैं तो समझ लें गर्भधारण हो गया है। पेट से जुड़ी समस्याएं। दोस्तों, गर्भधारण के बाद गर्भाशय में नई कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं, जिसके कारण पेट में दर्द और कब्ज की समस्या हो सकती है या पाचन क्रिया में कुछ बदलाव हो सकता है, तो समझिए गर्भधारण हो गया है। मूड में बदलाव होना। अचानक आपके खाने पीने की चीजों में बदलाव हो जाए और कुछ अलग खाने की जी करे तो हो सकता है गर्भधारण हो गया है। थकान व कमजोरी महसूस होना। दोस्तों, शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण अगर आपको सुबह के समय शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है तो समझ लें गर्भधारण हो गया है। शरीर के तापमान का बढ़ना। दोस्तों, पीरियड्स मिस होने के बाद अगर आपके शरीर का तापमान हमेशा सामान्य से अधिक रहता है तो हो सकता है गर्भधारण हो गया है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उल्टी और मितली आना। दोस्तों, अगर आपको उल्टियां और मितली की समस्या अधिक हो रही है और खाना खाने पर अजीब सा महसूस होता है तो हो सकता है आपको गर्भधारण हो गया है, क्योंकि गर्भधारण के बाद बहुत से चेंजेज आते हैं जिनके कारण शरीर में बहुत बेचैनी रहती है। चक्कर आना या सर में दर्द रहना। दोस्तों, हार्मोनल बदलावों के कारण ब्लड फ्लो पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण चक्कर आना और सर दर्द की समस्या हो सकती है। पीरियड्स मिस होने के अलावा अगर आपको सुबह के समय अक्सर सिर में भारीपन महसूस होता है तो समझ लें प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि गर्भधारण हुआ या नहीं। दोस्तों, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए आप पीरियड्स मिस होने के 10 दिन बाद आप प्रेगनेंसी किट घर पर लाकर चेक कर सकती हैं। अगर दो लाइन डार्क है तो पॉजिटिव है और एक लाइन है तो नेगेटिव है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।